नारी नेता अफसर, नारी नेता अफसर चीफ कप्तान कहा तुम्हारे मित्र ने काटत नर का कान, ब्याह हम नहीं करेंगे, ब्याह हम नहीं करेंगे, ब्याह हम नहीं। हमने कहा मित्र अगर इसी समय तरह सब लोग सोच लें तो सृष्टि रुक जाएगी, अगर सब लोग तय कर देंगे शादी हम नहीं करेंगे। तो उनके लिए हमने संदेश दिया कि नारी नर प्यारी सदा करे सिद्ध सब काम, नारी नर प्यारी सदा करे सिद्ध सब काम, महिला पर्व मनाइए बनकर प्रिया गुलाम, ब्याह क्यों नहीं करोगे, ब्याह क्यों नहीं करोगे। अक्सर शादी ब्याह में वर कन्या की कुंडली देखी जाती है, गलत दिखाते हैं कुंडली जो है वर कन्या को न दिखा करके कन्या और सास की दिखाना चाहिए, क्योंकि विवाद उन्हीं में होता है। देखें इस पर व्यंग, वर कन्या की कुंडली मिलवाना बेकार, वर कन्या की कुंडली मिलवाना बेकार, सास बहू के स्वभाव में अंतर से तकरार, कुंडली सास बहू की जांच, कुंडली सास बहू की जांच, कुंडली सास बहू। देखें अब मैं दो एक छोटी छोटी कविताएं सुना रहा हूँ। एक कविता मैं सुना रहा हूँ जिसको अंग्रेजी में कहेंगे ओल्ड इज गोल्ड, हिंदी में कहेंगे नवा नौ गंडा पुराना दस गंडा। और हमारे कविता का शीर्षक उसका है प्रॉफिट और लॉस, जिसको हानि लाभ कहते हैं। देखें घटना शुरू हो रही है रेलवे स्टेशन मिर्जापुर से। एक युवती अपने मौसी के साथ ट्रेन से जा रही यात्रा पर, बाकी आप देखें कविता के माध्यम से। है एक बार की घटना, है एक बार की घटना, एक नवयुवती अपने मौसी के साथ ट्रेन से जा रही थी पटना। है एक बार की घटना, एक नवयुवती अपने मौसी के साथ ट्रेन से जा रही थी पटना। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर एक नौजवान अपनी मूंछों को ऐंठ उनके सामने के सीट पर आकर गया बैठ और धीरे धीरे नैन बाण मौसी पर चलाने लगा मानो उसके सौंदर्य की गहराई को थहाने लगा तो मौसी भतीजी की देखकर उपेक्षा उसके मनोभावों की लेने लगी परीक्षा। ऐ बेटी रानी ये कैसा नौजवान है, जिसे हुस्न की जरा भी नहीं पहचान है, जो बार बार तुझे घूरता है, किंतु तुम्हारी तरफ जरा भी रुख नहीं करता है। तो युवती जरा उपहास से बोली ऐ मौसी तुम कितनी भोली, जिसे तुम समझ रही हो अनाड़ी, वह है पक्का सदा खिलाड़ी, पेशे से लगता है कबाड़ी, इसे नए नहीं पुराने माल की तलाश है, क्योंकि ये जानता है किस माल में ज़्यादा प्रॉफिट कम लॉस है,